दिसंबर को। उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली ये दूसरी फिल्म थी। एसयू सनी के निर्देशन में आजमी बाजिदपुरी की लिखी पटकथा पर इस फिल्म का निर्माण हुआ था। बाबुल, आज की फिल्म का नाम है बाबुल, पिता के घर को कहते हैं। इस नाम से कई फिल्में बनी, मगर सफलता के मानकों पर 1950 के दिलीप कुमार नरगिस मुनव्वर सुल्तान अभिनीत बाबुल ने जो सफलता के मेजर्स तय किए वो एक मिसाल है। इस फिल्म को म्यूजिकल हिट्स में रखते हैं क्योंकि 12 गीतों से गुलजार है ये फिल्म। संगीतकार नौशाद साहब के लिए कहते हैं कि 1949 में दुलारी, 1950 में बाबुल और 1950 में ही दास्तान में एक से बढ़कर एक गीत देकर आपने हैट्रिक लगाया। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, तलत महमूद और मोहम्मद रफी के पार्श्व गायन से सजे एक से बढ़कर एक गीत बने। शकील बदायूनी के गहरे शब्दों से गीतों का अर्थ इस फिल्म के मर्म को बताता है। इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया गया। सारे दृश्य इंडोर सेट पर फिल्माए गए, जिसमें लाइटिंग के प्रभाव से दिन रात या मौसम का बदलना सब कुछ दिखाया गया। और इस सारे सीन्स के लिए इस फिल्म के छायाकार यानी कि सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री का श्रेय जाता है। आइए जानते हैं इस नाम से कितनी बार फिल्म बन चुकी है। बाबुल टाइटल से 1986 में राजश्री के बैनर तले एक फिल्म बनी, फिर 8 दिसंबर 2006 को रवि चोपड़ा के निर्देशन में बनी बाबुल, जिसमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, हेमा मालिनी और रानी मुखर्जी ने काम किया। ये फिल्म भी एक संयोग के तहत दिसंबर महीने में ही रिलीज हुई। दिलीप कुमार जो इस फिल्म के हीरो हैं, जो आज सिनेमाघर में मैं आपको सुनाऊंगी, 1948 में शहीद और मेला की सफलता के बाद जुगनू में काम किया और उसमें भी सफल फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज करवा दिया। फिर अंदाज में एक अलग अंदाज में नजर आए दिलीप साहब। 1950 में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की दो फिल्में आई थी, जोगन और बाबुल। जोगन केदार शर्मा की फिल्म थी, मगर हीरोइन नरगिस ही थी। पहले फरवरी माह में जोगन प्रदर्शित हुई और फिर दिसंबर में आज की फिल्म बाबुल। फिल्म का आरंभ करते हैं, मगर उससे पहले कलाकारों के पात्रों, उनके रिश्ते और नाम से परिचित हो लेते हैं। दिलीप कुमार एक ग्रेजुएट युवक हैं, जिन्हें गाने बजाने का बेहद शौक है। अशोक नाम है उनका इस किरदार का। बेला नाम से नरगिस ने इस फिल्म में काम किया। उषा मुनव्वर सुल्ताना बनी हैं। उषा के पिता का किरदार अमर ने निभाया पर्दे पर। जानकी दास अशोक के पिता के रोल में नजर आते हैं, यानी कि दिलीप कुमार के पिता के नजर में। उनका नौकर वंशी का किरदार कन्हैया लाल ने पर्दे पर निभाया। जुगनू मुंशी के रोल में है। खुर्शीद मुंशी की पत्नी बनी है। उमा देवी, जिन्हें हम प्यार से टुनटुन कहते हैं, वो मुंशी की बेटी का किरदार निभा रही हैं। इसी गीत के साथ फिल्म का आरंभ होता है। कास्टिंग के पार्श्व में यह गीत चलता रहता है। फिल्म का आरंभ होता है, कास्टिंग से ही स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म की पृष्ठभूमि, उसके कथानक का सार क्या है। बारात जा रही है। कास्टिंग के समाप्त होते ही आंधी तूफान का दृश्य है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि मालिक है जानकी दास, नौकर बंसी के बीच मालिक के सुपुत्र पर चर्चा हो रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पिता अपने बेटे के गाने बजाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने की आदत से खासा परेशान है। तभी नायक जो है वो शीशे की खिड़की से बारिश में अपने ही घर में चोरों की भांति झांकते हुए घुसते हैं। बंसी मालिक के बेटे को देख लेता है और नायक का पक्ष लेता है, तो मालिक नाराज होते हैं। मालिक की हां में हां मिलाता है तो अशोक यानी जो नायक है उनसे धक्के खाता है। अचानक पिता की नजर पड़ती है, वो अपने बेटे से कहते हैं, तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की कर दी है, तुम्हें मधुबन जाना होगा। बाबू जमनादास, हमारे पुराने मित्र, वहां रहते हैं जो जमींदार हैं। पिता उनके नाम की चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी वहां। अगले दृश्य में मौसम खूब सुहाना है।
पर्दे पर अपनी सहेलियों के साथ नृत्य कर रही हैं और गीत गा रही हैं। गीत से बेला का इंट्रोडक्शन होता है फिल्म में। बेला पिता के पुकारने पर दौड़ी आती हैं। उनके पिता पोस्टमैन हैं। वो उषा से कहते हैं, यानी कि बेला से कहते हैं, आज डाक बाबू आ रहे हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं, क्वार्टर साफ कर ले। तभी पिता के जाते ही अशोक यानी कि डाक बाबू वहां आ जाते हैं, मगर बेला उन्हें उनके ही क्वार्टर में आने नहीं देती। अशोक मजे लेते हुए बेला को छेड़ता है। तब बेला के पिता उसी वक्त वहां आते हैं और बताते हैं कि यही हैं डाक बाबू। बेला घबरा जाती है और अशोक का खाना तैयार करने लग जाती है। खाना देखकर अशोक बेला के पिता पोस्टमैन को कहता है कि तुम लोग मेरे खाने के लिए परेशान न हो। तब पिता जवाब देते हैं कि तुम्हारे बहाने बाबू हम भी पेट भर खा लेंगे। अशोक के पूछने पर वो बेला की शादी की बात कहते हैं, दहेज जुटाने की बात बताते हैं। अशोक कहता है कि बेला की शादी में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी बेटी भली लगती है मुझे। बेला ये सुनकर पिता से लटक जाती है। पिता कहते हैं, बेटी के भार से तो पिता की कमर झुक ही जाती है। इस एक वाक्य से फिल्म का सार पता लगता है।
बेला अशोक द्वारा कही गई बात की कि तुम्हारी बेटी मुझे भली लगती है को बेला उसका अर्थ कुछ और समझ बैठती है, प्रेम समझ बैठती है। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में सखी हाथों से हाय सखी हाथों से सखी हाथों से दिल मेरा जाने लगा, पंछी बन में पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में अशोक पोस्ट ऑफिस में बैठा है तभी एक सज्जन अंदर आते हैं। मेज पर रखे केले बिना पूछे ही खाने लगते हैं। पार्सल देने आए ये सज्जन केले खाकर छिलके वहीं फर्श पर फेंकते जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और उन्हीं छिलकों पर फिसलकर गिर भी पड़ते हैं। दरअसल ये उषा के मुंशी हैं जो सेंट का पार्सल गिराकर तोड़ चुके हैं और आरोप पोस्टमास्टर उसकी कम उम्र पर लगा देते हैं। चूंकि सेंट की शीशी टूटकर मुंशी के कपड़ों पर लग जाती है तो उनकी पत्नी भी उन पे शक करती है और उनकी खैर लेती है। इधर उषा पोस्टमास्टर अशोक के पास अपने टूटे सेंट परफ्यूम की शीशी वाली पार्सल को लेकर पोस्ट ऑफिस जा पहुंचती है। कहती है, शायद आप मुझे जानते नहीं। अशोक साफ इनकार कर देता है कि उसने ये पार्सल नहीं तोड़ा। उषा वहां से नाराज होकर चली जाती है अपनी बड़ी सी कार में। बेला कार को जाते हुए देखती है। बेला अशोक को खाना देते हुए उषा के विषय में बताती है कि ये श्रीमती जी यहां क्या करने आई थी, इनका दिल नहीं पत्थर है पत्थर। अशोक मजे लेकर बेला की बातें सुनता है कि कैसे उषा अपनी हवा गाड़ी यानी कि कार से क्या क्या बर्बाद करती चल रही है। अशोक बेला को वहां से भेज देता है। अगले सीन में मुंशी की पत्नी अपनी फूल जैसी बच्ची के विवाह की चिंता करती है और पर्दे पर तभी उस फूल जैसी बच्ची यानी कि टुनटुन का आगमन होता है। उषा के पिताजी घर आते हैं। उषा के
तीन दिन बाद सालगिरह की बात करते हैं। इधर डाकघर में बेला अशोक को उषा से आगाह करती है, तभी वहां उषा तार करने आती हैं। उषा और अशोक में पैसे के हिसाब को लेकर खूब बहस होती है। वो कहती है, मैं मैट्रिक पास हूं। अशोक कहता है, मैं भी बीए पास हूं। अशोक अपने पिता के मित्र जमींदार जमुना दास के पास पहुंचता है। वो उसे देखकर खुश होते हैं और उषा की सालगिरह में आने का न्योता दे बैठते हैं। सालगिरह पर अशोक उषा के घर पहुंचता है। वहां अशोक उषा को पाकर पहचानता है और हैरान भी होता है। अशोक पूछता है कि आप यहां कैसे। वो पूछती है, ये बताइए कि आप यहां कैसे। अशोक कहता है, जमींदार साहब ने बुलाया है। अच्छा, मुझे भी उन्होंने ही बुलाया होगा। उषा अशोक को बर्तन न तोड़ने डालने का ताना देती है। अशोक नाराज होकर डाइनिंग टेबल से खड़ा हो जाता है। तभी उषा के पिता वहां आकर उषा और अशोक का परिचय करवाते हैं। बताते हैं उषा को कि ये हमारे पुराने मित्र का लड़का है, अशोक के ही डाक बाबू बनकर आया है। विनोद नाम का युवक तभी वहां आता है, जो जमुना दास के एक और मित्र का बेटा है। उषा सबके आग्रह पर हारमोनियम पर गीत सुनाने की कोशिश करती है, मगर फिर आवाज ठीक न होने का बहाना भी करती है। फिर उषा के पिता अशोक से गाने के लिए कहते हैं और बहुत इसरार के बाद अशोक ये गीत सुनाते हैं। हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा दे ते, हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा देते हैं। जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। जिंदगी हाय, जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। खूब करते हैं ये बीमार मोहब्बत का इलाज, खूब करते हैं ये बीमारे मोहब्बत का इलाज। दर्द बढ़ता ही रहे, दर्द बढ़ता ही रहे, ऐसी दवा देते हैं। जिंदगी हाय, जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। हाय, कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं, हाय, कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं। पहले दिल लेते हैं पहले दिल लेते हैं फिर दिल से बुला देते हैं। जिंदगी हाय, जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। दिल लगाए ना जमाने में हसीनों, कोई दिल लगाए ना जमाने में हसीनों से कोई। लोग कहते हैं कि ये,
लोग कहते हैं कि ये मिलके दगा देते हैं जिंदगी, हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। गाना खत्म होता है और जमुना दास उषा को गीत सिखाने का रिक्वेस्ट अशोक से कर बैठते हैं। अशोक मान जाता है। वो लौटकर जब अपने घर आता है जहां बेला खाना लेकर उसका इंतजार कर रही होती है, अशोक कहता है कि वो खाकर आया है। बेला वापस आती है अपने घर और पिता को बताती है कि बड़ी हवेली से खाकर आए हैं और बेला अनायास ही उदास हो जाती है। दास का मुंशी यानी कि जो उषा का मुंशी है वो अशोक के पास आता है। पैसे सूद पर लगाओगे, ये पूछता है। पहले तो अशोक साफ मना करता है मगर बेला वहां से गुजर रही है, उसे देखकर उस पर नजर पड़ते ही कुछ सोचता है और फिर पैसे के बदले जेवर गिरवी नहीं खरीदने की बात करता है। कंगन, मांगटीका, बूंदे सब 400 रूपये में खरीद लेता है। मुंशी बाहर निकल के जिसके गहने थे उसमें से भी 300 रूपये रख लेता है। अशोक बेला को तभी अपने पास बुलाता है। अशोक निश्चल मन से खुश होकर बेला को वो अपने पसंद के गहने कहकर खरीदे गए गहने पहनाता है। बेला खुशी से पागल हो जाती है। पिता को गोल गोल घुमाती हुई बताती है कि अशोक बाबू ने दिया है। पोस्टमास्टर पूछता है कि इतना बड़ा इनाम उसकी हैसियत से ज्यादा है। अशोक कहता है कि वो गहने बेला के विवाह के लिए हैं। तुम ही कह रहे थे ना कि बेला का विवाह करना है, गहने लेने होंगे, तो वो गहने उसके विवाह के लिए ही हैं।
बेला के पिता अशोक को कहते हैं, बाबूजी आप बेला के लिए देवता बनकर आए हैं। बेला अशोक के पास आती है, अशोक उससे बातें करता है और सुनाता है कि छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा। बेला अपनी सहेलियों से घिरी हुई है और वो उन्हें सारी बातें बता रही है। तभी उषा की गाड़ी भर्राटे से अशोक के क्वार्टर की तरफ जाते हुए वो देखती है। संदेश सुनाने के बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज। कार्यक्रम कौन सा चल रहा है? सिनेमाघर। और आज सिनेमाघर में कौन सी फिल्म है? बाबुल। तो हमने छोड़ा था ये कि बेला अपनी सहेलियों को सारी बातें बताती है और तभी उषा की गाड़ी फर्राटे से अशोक के क्वार्टर की तरफ जाती है। उषा अशोक को पेंटिंग करते हुए देखती है और देखना चाहती है कि वो क्या पेंटिंग बना रहा है, मगर अशोक उसे रोक देता है। उषा अशोक को अपने साथ गाड़ी में लेकर वहां से चली जाती है। बेला ये भी देखती है। बेला गुस्से से ये सब होता हुआ देख रही है। अगले दृश्य में मुंशी और उसकी पत्नी बेटी टुनटुन के शादी की बात करते हैं। टुनटुन कसरत करती हुई अपने पिता को ही वहां पटक देती है। इस तरह के दृश्य फिल्म को हास्य का रंग भी देते हैं। इधर उषा के घर पर अशोक उषा के कमरे की खूब तारीफ करता है, कहता है काफी आरामदेह कमरा है। उषा कहती है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां सब कुछ है पर आराम नहीं रहता। अशोक फिर कहता है लगता है आपके दिल में कोई तूफान छुपा है। उषा कहती है कि जिस दिन से आपका गीत सुना है ना, दिल में तरह तरह के तूफान उठ रहे हैं। दिल चाहता है कि आपसे आपका गाना छीन लूं, खुद ही एक गीत बन जाऊं। काश
ये मुमकिन होता? अशोक कहता है, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अशोक उषा से आगे कहता है, दिल से गाइए, दिल के तार हिलाइए, गीत बन पड़ेगा। उषा पूछती है, ये तार कैसे हिलेंगे? अशोक कहता है, जब दर्द पैदा होगा। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। गम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आके दिल हुआ दीवाना। उषा से अशोक इजाजत मांगता है। उषा अशोक को टाइपिन लगाकर देती है और हिदायत करती है कि कहीं खो न दीजिएगा। जब छोड़ने घर जाती है तब कार से उतरकर अशोक और उषा दिलफरेब बातें करते हैं। बेला सब देखती है और सुनती भी है। अशोक बेला से पूछता है, अरे अभी तक यहीं खड़ी है पगली? बेला घर जाकर तैयार होकर आती है बिल्कुल उषा की तरह। अशोक कहता है, अरे ये क्या बहरूप किया है? बेला कहती है, उषा रानी भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है ना। फिर पूछती है कि तुम आज वहां फिर गए थे? अशोक कहता है, अब रोज जाया करूंगा उषा देवी को गीत सिखाने। बेला कहती है, मैं भी तो बहुत अच्छा गाती हूं, मुझे भी सिखा दो। मेरे गले में रागिनी का बसेरा है, हाँ मेरी सहेलियां भी ऐसा ही कहती हैं। दिया तेरी कसम
उषा के पिता विनोद के पिताजी के खत का जिक्र करते हैं कि विनोद के पिता तुम्हारा हाथ मांगते हैं विनोद के लिए। उषा अभी रुकने की बात कहती है उसे तो अभी गाना सीखना है। अगले दृश्य में बेला अपनी सहेली को अपने सपने के विषय में बताती है जिसमें सफेद घोड़े पर सवार देखती है मगर डोली नहीं है। सहेली कहती है उड़ने वाले पंछी पर भरोसा मत कर। बेला कहती है वो ऐसे नहीं है, मैं जानती हूँ। इधर उषा और अशोक बाहर घूमने जाते हैं। उषा कहती है जरा देखिए ये बहार, पत्थर के सीने से उमड़ता हुआ झरना, ये प्रेम की समाधि में खोए हुए दरख्त, ये मौजों की माला बनाती हुई नदी, ये किनारों से मिलते को तरपती हुई लहरें। दरिया में मुंडा है चोर चाई है घटा घनघोर जाना दूर है। अशोक कहता है और ये मैं और तुम। बेला कहती है इन मौजों की किस्मत में तड़पना ही लिखा है। अशोक कहता है इन मौजों के तड़पने पर मत जाइए, दुनिया में हर चीज किसी न किसी चीज के लिए तड़प ही रही है। साथ हमारे शाम सुहानी आई, चांद की रथ पर बैठ के दिल मिल, चांद की रथ पर बैठ के दिल मिल, रात की रानी आई, शाम सुहानी आई। नए जमाने नए तराने लेके जवानी आई, सुन सुन जिसको नाच उठे दिल, सुन सुन जिसको नाच उठे दिल, कहानी लाई शाम सुहानी आई। चिंचोला चिंचोला चिंग चोलाई है तो संबा है तो दरिया में मुंबा है चोर चाई है घटा घनघोर जाना दूर है, है तो संबा है तो धरती पर आकाश जब तक हो ढलता सूरज धूप सुनहरी, आज का मौसम याद रहेगा, आज का मौसम याद रहेगा, बेला वही ख्वाब देखती है और डर कर बाहर भागती है। इधर उषा और अशोक बातें कर रहे हैं और उषा कहती है कि ऐसा लगता है हम साज और आवाज होते जा रहे हैं, हम जुदा तो नहीं होंगे, पहले अशोक अपना था अब सिर्फ आपका, ऐसा अशोक उसे कहता है। और बेला वहां आ जाती है, सब सुनती है देखती है और एक एक कर सारे गहने अशोक के दिए हुए फेंक देती है। इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सिनेमा घर में। इस अंतराल के बाद फिर मिलते हैं। दादू आपका तारा मतलब बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। हम है आसमा का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ठंग, हम है समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख, जो ये भारतीय वायुसेना के संग शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.careerengineerforce.cdac.in।
एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज। कार्यक्रम है सिनेमा घर और फिल्म बाबुल। उषा अशोक से विदा लेकर जा रही होती है तभी बेला उसके कार के सामने आ जाती है। उषा उसे कहती है कि मरने के लिए मेरी ही कार मिली है। बेला उससे बात करना चाहती है, ये जानकर उषा उसे कार में बिठाकर अपने घर ले जाती है। घर आकर बेला जमीन पर बैठकर उषा को कहती है, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूं, अगर कोई औरत होकर दूसरी औरत के कलेजे में खंजर मारे तो? उषा कहती है, उसका हाथ तोड़ देना चाहिए। बेला मुजरिम के नाम के तौर पर वो उषा का ही नाम लेती है। कहती है, आपने मेरे आदमी को बस में कर लिया है, आपको तो एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे, मुझ गरीब के दामन में यही एक हीरा आया है, रानी होकर भिखारन की दुनिया न उजाड़ो। उषा पूछती है, क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? बेला अशोक के दिए गहने दिखाती है। उषा वचन देती है कि अब वो मेरे सामने कभी ना आ सकेंगे। सवेरा होता है, उषा अपने पिता से विनोद से रिश्ता को हां कह देती है। उषा के पिता खुशी से मुंशी को तैयारियां करने को कहते हैं। अशोक उषा के घर जाता है, उषा मिलने से मना करवा देती है। अशोक वापस लौटकर बूझे मन से घर आ जाता है। इधर उषा कहलवाती है, आपका गीत मैं न गा सकूंगी, आपका संगीत बहुत मुश्किल है। उषा के पिता से अशोक को मालूम होता है कि उषा का विवाह विनोद से तय कर दिया गया है। तभी बाहर बिजली गिरती है। अशोक से शादी का सार संभाल की जिम्मेदारी लेने को कहते हैं। उषा के पिता और अशोक हां कर देता है। अशोक उषा के घर से लौट रहा है, उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, उषा का विवाह विनोद से हो रहा है। वो इसी ख्याल में चला जा रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है, उषा को मालूम होता है, मगर वो दिल पर पत्थर रख लेती है। उषा के पिता अशोक को अपने घर ले जाने आते हैं, मगर पोस्टमैन बेला के पिता मना कर देते हैं। बेला अशोक की सेवा दिन रात करती है। उषा प्रार्थना करती है, अशोक होश में आता है और बेला को उषा समझकर दिल की बातें कहता है। बेला अब सारी सच्चाई से रूबरू हो चुकी होती है। हुए मजबूर
करके पछताया, खुशी को लूट कर मेरी, बताओ तुमने क्या पाया। किसी के दिल में रहना था, किसी के दिल में रहना था, तो मेरे दिल में क्यों आए, बसाई थी कोई महफिल, बसाई थी कोई महफिल, तो इस महफिल में क्यों आए, किसी के दिल में रहना था। ठुकरा दिया तुमने, सहारा दे के आंखें फेर ली, ये क्या किया तुमने। किसी के दिल में रहना था, किसी के दिल में रहना था, तो मेरे दिल में क्यों आए, बताइए बेला उषा के पास जाती है। बेला कहती है, अपना दान वापस ले लीजिए मालकिन, वो मेरे नहीं आपके हैं। चांद आसमान के लिए है, धरती के लिए नहीं। वो आप ही की दुनिया है, आप अपने बीमार को चलकर बचा लीजिए। वो आपको पुकारते हैं, वो आपको ही देखना चाहते हैं। यहाँ उषा के घर उषा के ब्याह की तैयारियां चल रही हैं। उषा पिता से कहती है, ये शादी रोक दीजिए पिताजी, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है, इससे अधिक मैं कुछ कह नहीं सकती। सुनकर जमींदार गुस्से से पागल हो जाते हैं। मुंशी जी सुनकर पत्नी के साथ उषा को मनाने की कोशिश करते हैं। बदनामी के डर से उषा के पिता बहुत घबरा जाते हैं। मुंशी कहता है कि अशोक बाबू ठीक हो गए हैं, अगर वो समझाएंगे तो उषा बिटिया मान जाएंगी। जमींदार अशोक के पास जाते हैं, सारा हाल बताते हैं। कहते हैं कि खानदान की इज्जत का सवाल है, अगर वो ब्याह को नहीं मानी तो मेरी पगड़ी उतर जाएगी। अशोक से अपनी इज्जत की दुहाई देते हैं, अशोक मान जाता है। उषा तभी अशोक के यहां आती है, वो अशोक से भाग चलने को कहती है। अशोक कहता है कि जिस लड़की को मां बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकती। अशोक आगे कहता है कि अपने पिता की बात मान लीजिए। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। कहने को बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिल ना सके। कहने को बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिल ना सके।
अरमानों का गुलशन उजड़ गया, बर्बाद जवानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। दिल देखे यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। दिल देखे यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। होंठों पे है शिकवे किस्मत के, वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। होंठों पे है शिकवे किस्मत के, वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। जब खेल ही दिल का बिगड़ गया, हर बात पुरानी। उषा अशोक को अपनी डायरी देती है जिसमें अशोक की लिखी कविता है। उषा अशोक से कहती है कि आपकी बात मानकर मैं शादी कर रही हूं, मेरे विदा होते ही आप भी विवाह कर लें। बेला के दिल में आपके लिए अथाह प्रेम है, उससे विवाह कर लीजिए। अशोक कहता है मैं कोशिश करूंगा आपकी बात मानने की। उषा का ब्याह संपन्न होता है, उसकी विदाई होती है। अशोक अपने हाथों से उषा को डोली में बैठाता है। बेला उषा और अशोक की बातें सुन लेती है और फिर उषा की विदाई देखने पेड़ पर चढ़ बैठती है। मन में अपने ब्याह की कल्पना करके पेड़ की कच्ची टहनी पर कूदती है और ऊंचे पेड़ से गिर पड़ती है। बेला अशोक को बुलाती है, बेहोशी में बड़बड़ाती है। बेला जख्मी हालत में अशोक को अपने हाथों से खुद को तैयार करने, गहने पहनाने को करती है, बाल सवारने के लिए कहती है। अशोक बेला की मांग में सिंदूर सजाता है। अशोक बेला को सुनाता है। आज बेला इस तरह अशोक की बाहों में फिर वही सफेद घोड़े पर सवार को देखती है, मगर इस बार वो घोड़े पर सवार होकर उस सवार के साथ चली जाती है। बेला अशोक की बाहों में दम तोड़ देती है। इसलिए छोड़कर मोहे जाना पड़ा। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। आप सुन रहे थे सिनेमा घर। आज के सिनेमा घर में 1950 में रिलीज हुई फिल्म बाबुल सुना आपने। अब अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।